तैयार हो जाओ भी तैयार, चार कदम आगे चलना और भी चार कदम पीछे चलना, ऐसे चल जाना जैसे तुम्हें कल चलाया था हमने। लो जी सारे आदमी और सारे भैया देखना, देखो जंगल में सांपों सांपों की लड़ाई होती है, कोई आदमी देखने नहीं आता है, यहाँ पे देखो इसकी लड़ाई होगी तो सारे आदमी देखेंगे। देखो ये सांप के अंदर तार नहीं है, मशीन नहीं है, सेल नहीं है, एक मंत्र मार दूंगा, तीन बार बांसली ऐसे घुमा दूंगा तो ये सांप ऐसे चलेगा जैसे असली चलते हैं। तुम्हारी नजर में देखो ये चलेगा और मेरी नजर में यही रहेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं नजरबंदी। देखो कलाकारी इसकी कितनी बड़ी है। चलो भैया चार कदम आगे चलो, चार कदम पीछे चलो, ऐसे चलना जैसे कल चलाया था। देखो जी इतनी जगह में और इतने कुंडल में देखो ये चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। और देखो जितनी जगह में ये चलेगा सारी जगह लाल हो जाएगी। और ये कैसे चलेगा, रंग कैसे बदलेगा, देखो ऐसे बदलेगा। पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं आपके समझ में आएगा नहीं। पहली कलाकारी और पहला जादू देखो ये है इसका। देखो अपने अपने डिजाइन के और अपने अपने कलर के पत्ते हैं, इधर भी तास है और इधर भी तास है। ऐसे हाथ कर दूंगा इनका रंग बदल जाएगा, पर्दा नहीं लगाऊंगा आपके सामने। देखो ये व्हाइट पत्ता है, ऐसे मिला दूंगा, ये बादशाह को हटा दूंगा, ये बादशाह को देखो यहाँ रख दूंगा, ये सारे पत्ते में ऐसे मिला दूंगा, तीन बार ऐसे घुमा दूंगा सांप पे तो ये चलने लग जाएगा। फूक मार देना भाई जी, बस देखो इन भाई ने फूक मार दिया, मैंने जादू मार दिया, ये सारे पत्ते देखो व्हाइट हो गए, सारे आदमी देखा जैसे ये सारे पत्ते व्हाइट हो गए। अब मैं जादू मार दूंगा ये चलने लग जाएगा, और देखो ये पत्ता गेब हो जाएगा और इसका सो का नोट बन जाएगा। देखो तीन बादशाह है, देखो ये दो काले हैं एक लाल है, चिड़ी हुकम ईट, गौर से देखना कहा बीमारी है, पीछे यार। देखो जी सारे यार, देखो ये तीन बादशाह है, चिड़ी का, हुकम का, ईट का, ये बीच में देखो हुकम वाला बादशाह है, ये हुकम का बादशाह निकाल के देखो मैं यहाँ रख दूंगा सबके सामने। ये दो बादशाह रह जाएंगे, कौन से रह गए देखो, ये रह गए देखो दोनों लाल वाले, चिड़ी का और ईट का। ये हुकम वाले बादशाह को मैं बोलूंगा एक दो तीन तो ये हुकम वाला बादशाह गेब हो जाएगा, दूसरा पत्ता बन के तैयार हो जाएगा। देखो सारे भैया ये मजा नहीं आया, अब ये इक्के पे मैं मंत्र मारूंगा तो ये इक्का गेब हो जाएगा, इसका नोट बन जाएगा देखो 500 का कागज का। देखो लेके आओ जरा दो मिनट के लिए, देखो ये रख दिया मैंने सांप के सामने, तीन बोल दूंगा देखो कैसे नोट बनेगा इसका आपकी नजरों के सामने। और देखो ये अपने अपने डिजाइन के और अपने अपने कलर के पत्ते हैं, देखो इधर से भी ये अलग अलग है और देखो इधर से भी ये पत्ते अलग अलग है। मंत्र मार दूंगा सारे पत्तों का बेगम बन जाएगा हुक्म का। अभी देखो ये गड्डी अपने अपने डिजाइन की और अपने अपने कलर की है, एक दो तीन बोलूंगा सबका बेगम बन जाएगा देखो हुक्म का। लेके आओ जरा देवी माता सबका बेगम बना दो, अभी देखो अलग अलग है, इधर से भी अलग अलग है और देखो इधर से भी अलग अलग है। ये बेगम है हुक्म की, ऐसे लगा दूंगा, एक दो तीन बोलूंगा सबका बेगम बन जाएगा। देखो जब सबका बेगम बन जाए तो ताली बजाना, ना बने तो ताली मत बजाना। देखो फूक मारूंगा गुरु का नाम लेके, इसको मैं बोलूंगा एक दो तीन तो सारे बेगम बन जाएंगे। देखो जी जैसे ये सारे बेगम बन गए, अब मैं एक मंत्र लगा दूंगा तो नोट बन जाएगा 500 का जो मैंने बोला है। देखो लेके आओ जरा गुरु महाराज, देखो जी ये रख दिया मैंने इक्का इसके ऊपर, तीन बोल दूंगा नोट बन जाएगा देखो 100-500। यहाँ से लगाऊंगा देखो जी मंत्र, यहाँ से मंत्र लगाऊंगा वहां से रंग बदल जाएगा। देखो ये है डंडा मेरे गुरु जी का, 11 जादू बनाए थे उन्होंने इस डंडे में, मैं आपको बताऊंगा नहीं करके दिखाऊंगा। देखो पहला जादू और पहली कलाकारी देखो ये है इसकी, ऐसे मार दूंगा ऐसे रगड़ दूंगा, नीचे रख दूंगा थोड़ी मट्टी, ऐसे लगाएंगे मुठ्ठा बंद गुसड़ू। देखो जी एक बन गया, यहाँ गिलट का बना है वहां कागज का बनेगा। देखो एक दो तीन, देखो एक वही मट्टी, ऐसे लगाएंगे मुठ्ठा बंद गुचड़ू। देखो दो वही मट्टी, ऐसे लगाएंगे मुठ्ठा बंद गुचड़ू, इतने बन जाएंगे। ये मत सोचना जादू से आ रहे, देखो जादू से नहीं बनाए, ये तीनों सिक्के बैग में से निकाले और बैग में से निकाल के तीन को मैं 6 कर दूंगा। आप इतने भैया देख रहे हो, आपकी निगाह में नहीं आएगा, जो मेरी कलाकारी को पकड़ेगा उसको मैं 200 रुपए नाम के दूंगा, बनाऊंगा मैं इसमें से निकाल के, निगाह में किसी के नहीं आएंगे। और ये 6 कैसे बन जाएंगे देखो, 6 हो जाओ, गौर से देखना सारे भैया लोग, 6 बन जाओ,
घुस। मेरे गुरुजी ने बोला कभी भी 3 के 6 बनाओ तो झोले की मट्टी लगा दो। देखो मैं अपने झोले की इतनी मट्टी ऐसे मार दूंगा तो 6 बन जाएंगे। देखो इतनी मट्टी ऐसे मिला दूंगा तो 6 बन जाएंगे। देखो अभी डाला नहीं है, अभी 3 है ये रहे। मैंने देखा भाई जी आपने सिक्के निकाले। हाँ ये 3 है, इसमें से 6 निकलेंगे। अरे 3 ही है ये रहे। अरे भाई जी और मिट्टी में है ना, ये खाली है, अभी 3 ही है। आपको धोखा लग गया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखना भाई जी असली है नकली है, देखना ये कैसा है। भैया जी असली है नकली तो नहीं है, दे दो मुझे। देखो जी एक ले भाई, देख चेक करके देख असली है या नकली है, चेक करके मेरे को दे दियो, नोट बन जाएगा फिर कागज का। देखो चेक करके भाई जी क्या है, है? सन कौन सा है सिक्के पे भाई जी? इसमें क्या सन, देखो सन तो है ही नहीं। बोले देखो तो ये इतने बड़े सिक्के पे सन नहीं दिख रहा मुझे, देख भाई जी इसमें सन है। मैं बताता हूँ सन गाबरे वहीं पहुंच जाओ। देखना भाई जी सिक्के में सन नहीं है, देख के और मेरे को ही दे देना फटाफट। यार भाई जी सिक्का बन गया है क्या भैया? इसे सन दिख रहा, पकड़ जल्दी देख कौन सा सन का है, फटाफट जल्दी देख। अरे यार भाई जी कौन से सन का है, है? नहीं दिख रहा मुझे तो, मैं बताता हूँ। देखो देखो जी एक है ये यहाँ रख दिया, और देखो ये 2 है, इनको मैं बोलूंगा 1 2 3 घुसड़ू पास नहीं। देखो यहाँ पे सुनियो भाई पीछे हो जाओ थोड़ा। देखो जी ये दोनों सिक्के, ये 2 सिक्के हैं, ऐसे खींच दूंगा तो 4 हो जाएंगे, हो गए। देखो हाँ जी अब ऐसे कर देंगे तो कागज का नोट बन जाएगा, देखो वो भी 500 का। देखो कागज का कैसे बनता है, कितने हैं? 4 पकड़ो मुट्ठी बंद कर लो, फूंक मार दो, 1-1 रुपया करके 4 यहाँ रख दो, 500 का बन जाएगा। भाई जी सिक्का तो है ही नहीं। हाँ यहाँ रख दो बीच में। भाई जी मैं कहाँ से रखूँ, मेरे पास तो है ही नहीं। क्या नहीं है सिक्का? मैंने कितने दिए थे? 4। 4 दिए थे। हाँ। तुमने फेंके कितने? 3। तो एक और फेंको। अरे भाई मेरे पास नहीं है 4। तेरे पे नहीं है, गलती तेरी नहीं है, सिक्का ही नहीं है, तुझे दिख नहीं रहा क्या? तो उठा लो, आप उठा लो, हाथ में उठाओ। कितने हैं? 3। क्या तो कागज का नोट बना दो, कागज का बना दो, एक बार खोपड़ी पे घुमाओ, ये रही खोपड़ी। कितनी बार घुमाया? एक बार और घुमा दो, वहां पहुंच जाओ। 2 बार घुमा दियो, एक बार जब मैं बोलूं जब घुमाना पहले नहीं घुमाना। बोलो जादूगर इधर से पीछे हो जा अभी थोड़ा, बोलो मंत्र लगा दो, कच्चा मंत्र लगा दो पक्का, बैठ जाओ। आप इधर देखना सामने, मैं पक्का मंत्र लगाऊंगा, आप घबराना नहीं, ये घबराने वाला काम नहीं है। सामने देखना आप, उधर देखना आप, अरे यार कहाँ बजा रहा है यार, मंत्र लगा रहे हूँ उधर देखो, यहाँ लगाओ मंत्र। अरे यार ऐसे बोलो जादूगर, क्या दो ऊपर ऊपर मत करो, ऊपर ऊपर मत करो, अंदर अंदर करो, झोले के अंदर। क्या नाम है आपका? बाबू। कहाँ रहते हो भाई? यही रहते हैं बाबू। देहरादून में किसके हुक्म से रहते हो? अपने। अपना हुक्म मानते हो? और अपने माँ बाप का? भगवान का? और मेरा? तेरा नहीं, खेल बिगड़ जाएगा। ऐसे बोलो मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे, लड़ोगे, भाग जाओगे? खड़े हो जाओ, एक हाथ हिलाओ, दूसरा भी हिलाओ, दोनों हाथ आगे करो, सच बोलोगे झूठ? अब ये किसका हुक्म चल रहा है? अब तो मेरा है, तो बोलो नोट बना के नहीं बना? बोलो पहले नोट बना दो। नोट बना दूं? लिया सिक्के, पहले मैं आपको कागज का नोट बना के दे दूं। बैठ जाओ। कितने हैं? 3। अब कितने रह गए? 1। हट। देखो जी एक सिक्का है, ये एक सिक्का इसके हाथ में दूंगा, वैष्णो माता का मंत्र मार दूंगा, इसके 11 नोट बन जाएंगे। देखो 100-100 के फूक मारो, ये रुपए को उठाना, 3 फूक मारना, 100-100 के नोट बन जाएंगे। उठाओ जल्दी जल्दी उठाओ। अरे यार भाई सिक्का तो है ही नहीं, ये रखा हुआ सामने उठाओ। यार कहाँ रखा है? ये दिख नहीं रहा तू, ये कहाँ है? ऐसा आदमी है यार। अच्छा बोलो इस कपड़े में कोई नोट तो नहीं है? 1100 रुपए तो नहीं है? छू के देखो,
क्या नाम है? बाबू। जंत्रु मंत्रु बाबू के लिए ज्यादा नोट बनंत्रु पकड़, वहां जाके झड़का दिए नोट नीचे गिरेंगे। कह दो बना दो, बना दो। मैं बोलूंगा ठुस, आप बोलना अंदर जाके घुस, ठीक है? नोट आएगा सब ताली बजाएंगे फिर। ठुस अंदर जाके घुस। हाँ देखो रगड़ के आ गए यार, नहीं है। झूठ मत बोलो यार, नहीं है। नोट नहीं आया, खोपड़ी पे घुमा ले, थोड़ा पीछे हो जाए इधर से। वैष्णो माता कह रहे हैं नोट नहीं आया, 1100 रुपए लाओ मंदिर वाले। छोड़ दो, ठोस अंदर लाके ठोस। देख रगड़ के आ गया, सबको निकाल के दिखा दो। रुक जाओ, ये डब्बे में बैठो पालथी मार के। दो बैठो इसमें, पालथी मार के बैठो और कपड़ा गोद में रख लेना। एक एक नोट निकाल के जाल पे रखना, खत्म हो जाए घुस के देना और आ जाएंगे। निकालो एक एक करके, मैं बाजा बजा दूं, प्यार प्यार से निकालना। क्या हो गया तुझे? काई को यू यू कर रहा है? रुक जा, सारा दूतरो फिर जी इधर आ, मैं देख लेता हूँ इसे क्यों गिरा है। तेरी वैसी टट्टी बंद हो रही है यार, रुक जा। ये डमरू 3 बार बजा, ऐसे बजाइयो दे, 1 2 3 नोट अपने आप बाहर आएंगे। बजा 3 बार नहीं बसता है, मेरी तरफ है पूरे दिन। एक को पकड़ेगा तो 1 बजेगा, दोनों को पकड़ लेगा पूरी रात हिलाता रहेगा तब भी नहीं बजेगा, समझ रहे? इसे छोड़ दे, ये पकड़ डंडा गुरु जी का, ये ले, इसे ऐसे पकड़ियो, 3 बार उधर घुमाइयो, 3 बार इधर घुमाइयो, 2 फूक मार के अल्लाह भगवान जिसको तू मानते हो उसका नाम लेके ऐसे फेंक दियो। ये डंडा गेम हो जाएगा रोजी की कसम, नोट बाहर आ जाएगा। 6 बार घुमा के फेंक दो, तू पैदा हुआ था राशन कार्ड से आया था क्या? कुछ नहीं, कर कुछ रहे ये बोला 3 बार। रुक जाए 1 मिनट, ये मजाक बहुत कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए रगड़ा लगाओ, पकड़ ऐसे पकड़ बीच में से, आगे करा, हट घुस ले जाओ, 3 बार वहां घुमाओ, 3 बार यहाँ घुमाओ, 2 फूक मार के फेंको, अब बनेगा नोट, घुमाओ। मैं बाजा भैया, 2 फूक मार के यही फेंक दो, फूक मार के फेंक दो यार, ये तो भाई खुली नहीं ना। अरे मरिया क्या हो गया तुझे? मैं जा रहा हूँ, बोल रहा तुम जा रहे हो, तुम चले जाओ, मैं दूसरे को बिठा लूंगा, जाओ। अच्छा ऐसे बोलो जादूगर, जादूगर क्या खोल दो, वहाँ जाओ सामने, मैं खोल देता हूँ, बोलो खोल दो, ऐसे पैजामा पकड़ो खुल जाएगा, कस के पकड़ो, घुस ले जाओ, देखो खुल गया। इस वाले को हटाओ, ले ले, पैर भी चिपका दूंगा वही, चलो सामने आओ, झटका लगाओ, पहले से बढ़िया लग रहे हो, बोलो जादूगर, कह दो खोल दो, नहीं तो गुस्सा आ रहे, मैं जा रहे हूँ, दफा हो जाओ, अबे यार ये तो खोल, खुलवा के जाएगा, कह दो खोल दो, पैर मिलाओ। देख ये काम मैं करता ना, पता है क्यों करे? क्योंकि तू इसमें नोट थे, तू साफ बता रहा था ये खेल बकवास है, मजा नहीं आया, मजा आएगा 1 2 3 बोल दूंगा तेरे हाथ खुल जाएंगे, ऐसे हाथ घुमा दूंगा अपनी माँ की कसम, ये सारे आदमियों को तेरा इतना चेहरा बंदर का दिखेगा। यार तो पागल है यार तू, ना बना के दिखाऊं सामान में आग लगा दियो, देख 1 2 3 बोलूंगा बंदर की शक्ल दिखेगी, देख क्या खोल दो, पहले कौन सा खोलू? ये वाला खोल यार, चिपकाना जानता हूँ खोलना नहीं जानता, समझ गए? अबे कौन खोलेगा इसे यार? एक तरकीब है, कर लेगा खुल जाएगा, नहीं करेगा नहीं खुलेगा, क्या बता दो, बता दो बेड़िया में, तुझे तरकीब बता दू, बोलो क्या है ये अपना? क्या तो फाड़ दो, हाँ तेरे मुंह बाप का मारे, फाड़ दो, फाड़ूंगा नहीं, जादू दिखाऊंगा, देख कलाकारी। देखो जी आपने जादू का नाम सुना, अपनी आंखों से नहीं देखा, अपनी आंखों से देखो जादू कहते कहते हैं, देखो कलाकारी कितनी बड़ी है ये वाले आइटम की, गौर से देखना सारे आदमी। ए इधर देखो भाई, बोलो ये क्या कर दिया,
गौर से देखना सारे आदमी, कितनी बत्ती बनाई? एक। जादू किसको कहते हैं वो देखो अपनी आंखों से। अब बोलो कितनी बत्ती हो गई? दो। बोले ये दो बत्ती के अंदर मैंने ये क्या कर दिया? एक काट लगा दी। कितनी लगाई? एक। अब कितनी लगाई? दो। लगा मेरे हूँ, खोलोगे आप? क्या तो खोल दूंगा, खोल दूंगा। भगवान तुम्हें आज ही ले जाए। कहाँ ले जाए? तुम्हारे घर पे। अब बोलो कितनी हो गई? तीन। पक्की कर दूंगा। अब कितनी हो गई? चार। क्या तो पक्की कर दो। पक्की कर दूंगा, कपड़ा फट गया, गिठारा खुले, ज्यादा खींचूंगा फट जाएगा, पक्की कर दूंगा। कितनी गांठ हो गई? तीन। कह रहे हैं मैं खोल दूंगा, अब बोलो कितनी हो गई? चार। वो चार गांठ हो गई थी, ये पांचवी लग रही है, समझ गए? कितनी हो गई? चार। पांच। ऐसा करके देखना भाई, कच्ची है पक्की है? ऐसा करके देखो, कच्ची है पक्की? इधर से पकड़ लो। बोलो ऐसे खींचेंगे क्या होगा? छोड़ दो भैया जी, देख इसको पकड़ के मैंने ऐसे खींचा, ये इसको पकड़ के मैंने ऐसे खींचा, तो ये कपड़ा फट जाएगा, मजा नहीं आएगा। कितनी गांठ है ये? चार। पांच। बोले ये पांच गाठी मैंने सारे भाइयों को दिखा के, वैष्णो माता का नाम लेके, बोले ये पांचों गाठी कहां पे रख दी? ये नीचे। चलो देवी माता ले जाओ। एक दो तीन, कितना बोला? तीन। कहने में टाइम लग गया, ये पांचों गाठी अपने आप खुल गया, खुल गई। ऐसी तेरा पजामा खुल जाएगा, सकल बंदर की बन जाएगी। दो फूक मार हाथ पे, क्या तो खोल दो। पहले कौन सा खोलूं? ये वाला। उसकी चिंता जाती है, घुस आराम से खुलेगा, ताकत मत लगाइयो। खुल गया, बैठ गया नीचे। हाँ बैठ गया, मैं तेरी सकल बना के दिखाता हूँ बंदर की। दो हाँ बाद में ठीक हो जाएगा, एक गिलास पानी मंगवा दे चाचे को। दो फूक मार इस पे भी, एक एक उंगली करके खोल, देख कैसे बदलती है तेरी शक्ल। खोल गई भाई, खोल गई, खोल फिर प्यार प्यार से खोलियो। अबे यार एक खुल गई है, बंद हो रही है यार। क्या फूक लगाई? देखिए यार एक खुल गई है, बंद हो रही है। फूक कितनी लगाई? एक और लगा, ऐसा कर आगे हाथ, क्या तो खोल दो। बोल जे खुल जाएगा तेरी इतनी शक्ल बदल जाएगी, तू भी देखेगा। हाँ? मर्द बन के देखेगा जनाना। मर्द कच्चा है पक्का, शेरनी शेर, मुर्गी मुर्गा, बकरी बकरा, हिजड़ी हिजड़ा। तो तू अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, कैसा कागज है? वाइट तो, वाइट है, लिखा हुआ तो नहीं है ये कागज? मैं यहाँ तीन बार घुमाऊंगा, तू वहां पे खड़ा हो जाइयो, ठीक है? देखो जी कलाकारी, वाइट कागज है, लिखा हुआ नहीं है, गौर से देखना सारे भैया। चलो वैष्णो माता देवी माता, दो मिनट के लिए इसकी शक्ल बदल के दिखाओ सारे आदमियों को, जब बदल जाए तो सारे बाबूजी ताली बजा देना। बोलो भैया ये क्या उठा लिया? चलो देखो जी कलाकारी, फूक मार देना भाई जी। वैष्णो माता बदल दो चेहरा इसका, शक्ल बंदर की दिखनी चाहिए सारे आदमियों के सामने। जब इसकी शक्ल आप सारे भाइयों को बंदर की दिखे, तो सारे बाबूजी अपनी अपनी जगह से देखना, तीन मिनट कोई आदमी बड़ा पैर पीछे करके मत देखना। चल तीन पे खड़े हो जाना, शक्ल बंदर की बन जाएगी। कोई आदमी कोई भैया पैर पीछे नहीं करना, अपनी अपनी जगह से देखना सारे आदमी। ए पैर मत ला भाई, कोई पैर मत ला, आम में से कोई आदमी पैर हिलाएगा इसके नाक मुंह से खून निकलने लग जाएगा। हाथ जोड़ के समझा रहा हूँ, पैर नहीं हिला देना, क्योंकि ये मेरी लाग है। कोई आदमी कोई माता बहन कोई भैया पैर नहीं हिलाना। चल तीन बोलूंगा ये खड़ा हो जाएगा, शक्ल बदल जाएगी। चार कह दूंगा सारी माता बहन भैया चले जाना, चार से पहले कोई आदमी पैर नहीं हिलाना। पढ़ा दें उल्टी खोपड़ी, पैर मत हिला, सुनाई नहीं आ रही तेरे? इतनी बात समझ के कोई आदमी जाएगा, मैं जाने वाले का हाथ नहीं पकड़ूंगा। वो आदमी यहां से जाएगा, रो के आएगा, कैसे आएगा अपनी आंखों से देखो। देवी माता सबको पहचान लो, जो आदमी जो भैया तेरी मेरी बात को मान के खड़ा, उसके बच्चों का भला कर दे। कहने का मतलब ये है कि ये जितने आदमी है सबका बिगड़ा काम बनाओ, और जो चुगलखोर आदमी घमंड में आगे पैर हिला के जा रहे हैं, तो जाओ अपने बंदर में बांध लो, एक पटक लगा मजमे के बाहर, और रोएगा आपके नाम से, या से काट के खून पिलाऊंगा अपने नाम से। पीछा उसका करना जो घमंड में आगे पैर हिला रहे है, बीच में लगा पटक, रख ये लो। सारे आदमियों के पैर खाएगा, यहाँ बन गया। अब तीन बोलूंगा ये खड़ा हो जाएगा, चार के दूंगा सब चले जाना। चार से पहले पैर हिला दिया, पीछे गिर गया, फिर नहीं कहना इसे उठा दे, आगे हो जा थोड़ा बस। और देख इतने कुंडल में दिखाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, हर खेल में इतने कुंडल में दिखाता हूँ। बस चल, एक बोलू खड़े मत होना, दो बोलू खड़े मत होना, तीन पे खड़े होना। तीन से पहले मैं दो बोलूंगा, दो की आवाज में जितनी माता बहन भैया खड़े हो सा
सारे आदमी माथे में भाई ये लकीर पे हो जाना, अपनी जगह से लेन पे हो जाना, अपनी जगह पे नहीं रुकना। कभी कोई आदमी चक्कर खा के गिरी है, चल जब मेरे मुंह का रंग लाल हो गया, हाथ का इशारा दू, सारे आदमी लकीर पे, तीन बोलने में आप खड़े, चल दो मिनट मेरी आंखों में आ जाओ, मिर्गी का टोटका लेके दो मिनट पूरे मजमे में घूम लो, जो पैर हिला रहे बीच में गिराओ, मुंह का रंग बदल जाए, इशारा दू, सारे आदमी आगे हो जाना। ये मत समझना कि मैं पीछे से हटे आऊंगा, पीछे गिर के मरेगा, नहीं है तो आजमा के देख, चल आंखों में आ जाओ देवी माता, मुंह का रंग लाल हो आ जाओ जाना सब आदमी। जल्दी मर जाओगे, लकड़ी आएगी इसकी, आगे जा इधर से लकीर पे हो जाओ, बंद कर ले भैया दांत, रुक दो और बोलूंगा भैया खड़े हो जाना, शकल बदल जाएगी, सारे भाई ताली बजा देना, जिस आदमी को बैठने के लिए बोलू वो अपनी यहाँ पे नीचे बैठ जाना, जल्दी बैठ भाई, जल्दी बैठ, जिसको बोलू वही बैठना, बैठना सर, बैठना भैया, बैठना, चल बैठ जा भाई, बैठना दोस्त, बैठ बैठा, बैठ जाओ सारे बच्चे इधर वाले, बैठ जाओ भाई जी, जिसको बोले वही दूसरा नहीं, बैठ भाई, बैठना अंकल जी, दोनों बच्चे बैठ जाओ, चल जिसका हाथ बंद है हाथ खोल देना, नीचे बैठ जाओ, अब तीन बोलूंगा आप खड़े हो जाना भैया, बैठो बेटा बीच में, आप ये बच्चे को नहीं जानते, आपको ये बच्चा नहीं जानता, देखो ये आपके घर का एड्रेस कैसे बताएगा, आ जाओ, आ गए, सबको पहचान लो, रुक जाओ, तुम देख रहे हो, ये ले जाओ, हर द्वार के अंदर दो बच्चे मर गए जादूगर के परसों लाग में, ये ले जाओ बेटा, अब ये बच्चा किसी को देखेगा नहीं, देखो बोलो सही है गलत है, सही है, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर से, जानते हो हतीब दी, ये क्या है बेटा है, भले सर ये क्या है, अखादा ये क्या है, ये नहीं पूछा नाम बताओ, अब ये लोंडा नीचे लेटेगा, सारे भाइयों को राम राम बोलेगा, राम राम सब ले लेगा, नीचे लेटेगा, ऊपर उड़ेगा, नाम बताएगा, खेल खत्म हो जाएगा, आप भी जाना और मैं भी जाऊंगा, जा रहे हो बेटा, सबको राम राम कह के जाना, ऐसे मत जाना, हाथ नहीं बांधना, बंदा हाथ खोल देना, सारे आदमी जा रहे हो, चले जाओ, चले जाओ बेटा, राम राम, सलाम अलैकुम, राम राम, थोड़ा कपड़ा खींच लो, बस जैसे पड़े हो ना बेटा इसी ऊपर उड़ जाना, बोलो भाई बच्चा एक लेट गया या दो, आइए उधर बच्चे का क्या है, इधर क्या है, क्या दो उड़ा दो, ये कपड़ा दे दो काले वाला कपड़ा, चल हर द्वार वाली मनसा देवी, कलकत्ते वाले हाजिर बाबा, समेटा मैया, फेरो वाली माता, साईं बाबा, इतना उपड़ना ज्यादा नहीं, एक दो तीन, पैर किसने हिला, हाथ खोलना सारे आदमी, ये क्या हो गया, मैं मना कर रहा था पेन नहीं लाना, लाग कटिएगी, कटगी लाग, बोले ये बच्चों को दर्द हो रहा है, बंद कर दूं ज्यादा, रुक, बोले ये डंडा मारा इसके मैंने, छुरी मारी है, देवी का मंत्र मार दिया, बच्चे के दो टुकड़े हो गए, पहला मंत्र मार दिया सीना अलग, दूसरा मंत्र मार दिया सर भी अलग, दो चार आदमी कह रहे हैं सर को ढीला कर दिया, सबूत मैं दूंगा, बोलो हाथ में क्या है, बोले ये मैंने अपने बच्चे का, अपने बेटे का, बोले ये क्या पकड़ लिया, क्या है ये, क्या उठाई, कहाँ रख दी, ताली बजा दो सारे आदमी, बस अल्लाह भगवान आप सबका भला करेगा, आ जाओ, बस कपड़ा चोड़ा कर दो भाई, बोलो उधर बच्चे का क्या है, इधर क्या है, बोलो ये अलग है या जुड़ा है, अलग है भाई, मुझसे बोलो सारे आदमी, नहीं दिल वाला के लिए अलग है, चुगलखोर के लिए दो सर है, सबूत मैं दूंगा, ये कागज उठाइए, उधर मेरे बच्चे का पैर है, बोलो है कि नहीं भाई, वो उधर मेरे बच्चे का पैर है और इधर मेरे बच्चे का सर है और बीच में जगह खाली, ताली भैया सारे आदमी ले जाओ, इधर डुंड इधर सर और बीच में यहाँ खाली, बोलो मेरा कुछ कमाल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भाई। बोलो इसको उठा दूं या मरने दूं, उठा दो, उसे बोलो सारे आदमी, पैर मिला गया कपड़ा के दो उठा दूं, इसको उठाओ, इसको मैं नहीं उठाऊंगा, इसको सब उठाएंगे, बोलो खेल एक ने देखा है सबने, सबने तो मैं पूजा सबसे लूंगा, हिंदू से गंगा माँ के नाम से, मुसलमान से अल्लाह के नाम से, मेरा सारे आदमियों से ज्यादा नहीं, एक मेरा 20 रुपए का सवाल है, ये धरती माता और वो गंगा मैया के नाम से, ताली बजाओ किसी दिल वाले के नाम से, बस हाथ में दो, कोई तेरी जेब में अगर 20 रुपया हो अपना बच्चा समझ के देना, मना मत करना, और तेरी जेब में 20 रुपया नहीं है, मेरी किसी से जबरदस्ती नहीं है, पेन नहीं लाना, सर बंद कर लो,
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी सतवन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनबॉक्स लाइफ। आज हैं हम यूसुफ सिकंदर जी के साथ, ये मैजिशियन हैं और आज ही हमारे कुछ मैजिक एक्ट करके दिखाएंगे। थोड़ी सी इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको अपना। मेरा नाम सिकंदर जादूगर है और मैं ये कम से कम 20 साल से जादू कर रहा हूँ और इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे जादू करता हूँ मैं, और मैं सिखाता भी हूँ। देहरादून में रहता हूँ मैं सिखाता भी हूँ बहुत आदमियों को। मैं प्रोग्राम भी दिखाता हूँ, जैसे जन्मदिन, शादी, पार्टी, कहीं भी कोई से भी फंक्शन में, बड़े में मैं अपना ये जादूगर दिखाता हूँ और यही मेरा रोजी रोटी है, यही है। और किसी को इनसे जादू सीखना है या अपने घर पर कोई प्रोग्राम कराना है तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। आ रहा है? ठीक है भाई जी। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू भाई जी। ठीक है।